कुल्लू जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल की क्रसना लैब में आए दिनों मरीजों को जांच करवाने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों को 5 से 6 घंटों तक जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उनका कहना है कि वो अपने घरों से सुबह ही इलाज के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन मरीजों और उनके तीमारदारों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। उनका कहना है कि उन्हें कई बार आधा आधा दिन तक अपना इलाज करवाने के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अस्पताल में उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। सुबह 10 बजे से बैठे हम यहाँ टेस्ट करने, हमारा टेस्ट अभी तक नहीं, और हमारे सर्विस डाउन है यहाँ पे। और कई लोग तो ऐसे जो बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, जिसकी बस से भी टाइम ही जाती है, और यहाँ तो 4 बजे से पहले हम फ्री नहीं होंगे। किसी की बस से 5 बजे 3 बजे चले जाती है लास्ट, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में सरकार को जो है चीज का ध्यान भी देना चाहिए और यहाँ की सुविधा जो है पूरी करनी चाहिए, जिससे कि इंसान को अपना टाइम पे हर चीज काम हो जाए। मैं सुबह 11 बजे के यहाँ पे लाइन पे लगा हूँ, 11 बजे पे लाइन लगने के बाद भी लाइन हमारा जो नंबर नहीं लगा, तो हमें दिन भर यानी कि 3-3, 4-4 घंटे हमें टेस्ट कराने के लिए ही बैठना पड़ता है। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर स्टाफ की कमी है तो वो स्टाफ को पूरा कीजिए, ताकि जो है लोगों को दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे, हम परेशानी से होते बैठे हैं, लाइन में खड़े हो गए, परेशान है ना, खाना तक नहीं खाएंगे। यहाँ प्रबंध होना चाहिए,